बड़वानी जिला मुख्यालय से लगी नर्मदा पट्टी के किसानों में खासा रोष देखने को मिला है। किसानों का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाली 2000 रुपए की राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान कहते हैं कुछ एक किसानों को लाभ मिल चुका है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ नहीं मिला। किसान आरोप लगा रहे हैं कि वे बार बार पटवारी को दस्तावेज सौंप चुके हैं, कई बार जिला मुख्यालय जाकर जवाबदारों को मिलकर समस्या बता चुके हैं, बावजूद लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं एसडीएम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कई दस्तावेज अनिवार्य है। जिन जिन किसानों के दस्तावेज पूरे मिल चुके हैं उन्हें लाभ दिया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे हैं जो समय पर मिल नहीं पाए और कुछ एक मिले भी तो दस्तावेज पूरे नहीं दे पाए। बड़वानी ट्राइबल होने के कारण कई लोग बाहर भी हैं, इस कारण समस्या आई है। पटवारियों को निर्देशित कर दिया गया है, वे किसानों के घर जाकर दस्तावेज ले रहे हैं, जल्द सभी को लाभ मिल जाएगा। विरोध कर रहा हूँ, ये हमारे नर्मदा बेल्ट में किसान सम्मान योजना के जो राशि डलनी थी 2000, वो राशि अभी तक किसान के लोगों के पास खाते में नहीं जमा हुई है, इसके लिए हम ये आंदोलन और विरोध कर रहे हैं। पटवारी को दस्तावेज जमा किए थे आप लोगों ने? हाँ, पंचायत स्तर से लिए थे, तो वो दस्तावेज जमा भी करवाए हैं, एक बार नहीं दो बार करवाए थे, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसे राशि जमा नहीं हुई है। उसमें से 80-85% जमा नहीं हुई है, 10% जमा हुई है राशि। बाद में पूछताछ की थी आपने? किसान है ना, कहीं वहाँ पे तहसीलदार के पास भी पहुँच जा चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है राजस्व का जो काम है, खाते नंबर कलेक्ट करना, आधार नंबर और बैंक अकाउंट जो है जिन जिन किसानों के प्राप्त हो चुके हैं उनका हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और रही बात है कि जो किसानों की नाराजगी होने का, तो उनकी ओर से ही जो हमारा पटवारी और हमारा राजस्व अमला घर घर जाके वहाँ से कलेक्ट कर रहा है, लेकिन चूँकि ट्राइबल एरिया होने के कारण जो है पलायन की स्थिति या फिर मजदूरी वजदूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रहता है, तो एक कलेक्शन में दिक्कत आ रही है खातों के और जो आधार नंबर के, जो उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं।